अमृत वेले आंख खुलते ही थोड़ा समय भी जो याद करता है, एक्यूरेट याद करने क्या पुरुषार्थ करता है, वो याद का फाउंडेशन सारा दिन चलता है। थोड़ा समय नहीं रहता, जैसे बीज है, बीज समय पर बोया जाता है तो ज्यादा फल देता है, और मौसम निकल गया फिर बोया गया तो फल नहीं देता या कम फल देता है। ऐसे याद का भी हिसाब है, चाहे वो हद का अमृत बेला हो, चाहे बेहद का अमृत बेला हो। जिसने समय पर बीज डाल दिया वो कई गुना प्रतिफलित तो होता है। और नरक के बीच में स्वर्ग का सैंपल तैयार करता हूँ। हाँ जी, आदि का जो सैंपल था वो तो दुनिया वालों ने देखा ही नहीं। दुनिया वालों ने नहीं देखा जी? नहीं। और जो अंत में स्वर्ग का सैंपल तैयार होगा उसको सारी दुनिया देखेगी? देखेंगे क्या? नहीं, जब आदि वाले को दुनिया वालों ने नहीं देखा, सब ने नहीं देखा, 500 करोड़ ने नहीं देखा, तो अंत वाले को भी 500 करोड़ नहीं देखेंगे। वो कैसे मानेंगे कि ये हमारे देवी देवता है या हमारे ये कुल देवत है, ऐसा कैसे मानेंगे? वो दूसरे धर्म वाले सिर्फ जन्नत जन्नत बोलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में तो सर और पैराडाइज के रूप में याद करते हैं, लॉर्ड कृष्ण को मानते हैं, लेकिन वो सब स्वर्ग में जाते नहीं है। वो ही सिर्फ जाते हैं जो उनके धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। इसलिए जो उनके धर्म में कन्वर्ट होकर के जाते हैं वो ही वहां आवाज फैलाते हैं। वो उनके पूर्वज हैं। हर धर्म के पूर्वज सत्युग त्रेता में और संगम में मौजूद हैं। ऐसा थोड़ी बोला है कि संगम युग में सारा दिन अमृत बेला है, ऐसे नहीं। संगम युग में जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने वाला होता है संसार में, तब है अमृत बेला आरसी। ऐसे नहीं कि सन 36 में भी अमृत बेला है। और 68 में भी अमृत बेला है। 68 में अमृत बेला होता तो माउंट आबू में सनसेट पॉइंट की यादगार नहीं बनती। अमृत बेला तब है जब प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्षता भी दो तरह की है, एक बुद्धवादियों की आधार पर प्रत्यक्षता और एक है दिलवालों के आधार पर प्रत्यक्षता। दिलवाले भी बुद्धिमान बाप के ज्ञान रत्नों को धारण करके प्रत्यक्ष करें, तब है असली प्रत्यक्षता। इसलिए विष्णु का पाठ गाया हुआ है प्रैक्टिकल में कर्म संपन्न करने के लिए। ला और लव का बैलेंस है, दिल और दिमाग का बैलेंस है। इसलिए अमृत बेला
जब प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, सब अनुभव करते हैं कि इसके नजदीक जाने से हमको रोशनी मिलती है, दूर रहने से हमको वो रोशनी नहीं मिलती है। सब अनुभव करते हैं कि ये पारसनाथ है, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला, जो आवे, जो देखे, जो सुने, वह बोले कि बाप आ गया है। उस प्रत्यक्षता होने से पहले के टाइम को कहेंगे अमृत वेला। प्रत्यक्ष हो गया, फिर बाद में कितना भी बैठ करके याद करें, सेवा करें, धारणा करें, उतनी प्राप्ति नहीं होगी। बस तो 36 तक रहेंगे ना? हैं? 36 तक तो रहेंगे ना? 36 के बाद में परम धाम जाएंगे ना? अभी पता है कि है कि नहीं है? हैं? पता है। अभी पता है? है या नहीं है? है? परीक्षा हो तभी तो पता चलेगा, है? फाइनल पेपर हो तभी तो पता चले। अभी तो सब कह देंगे है। और बाबा क्यों वो नहीं करते के बाबा? है? वो तो करते हैं। अनहोनी होती है ना, माया का जब पूरा प्रेशर पड़ता है तो माया अखबारों में, रेडियो में, टीवी में ऐसा दुष्प्रचार कराती है कि सब की बुद्धि घुमा देती है। जीत तो पाती है ना? है? जीत तो पाती है ना? जीत नंबरवार पाते हैं या एक जैसी जीत पाते हैं? अगर एक जैसी जीत पावे तो सारे ही लक्ष्मी नारायण बन जावे। नंबरवार जीत होती है, इसलिए माला के मणके ऊपर नीचे बन जाते हैं। बाबा अष्टदेव के भी, अष्टदेव को भी नीचे नीचे आ जाते हैं। अष्टदेव को भी आ जाते हैं क्या? नीचे उनका नंबर नहीं बनना है। अष्टदेवों का एक जैसा ही नंबर होगा माला में, ऊपर नीचे नहीं होंगे। है तो अंतर होगा कि नहीं होगा? पता कैसे चलेगा कौन है लास्ट जन्म में, कौन से किस धर्म में गिरने वाला है? और बुद्ध धर्म वाले स्वर्ग को नहीं मानते हैं? बुद्ध धर्मी लोग स्वर्ग को मानते नहीं है। जो बुद्धिवादी होते हैं वो स्वर्ग में जल्दी जाएंगे या दिलवाले स्वर्ग में जल्दी जाएंगे? इसलिए महात्मा बुद्ध महान धर्म की तो स्थापना की, महात्मा तो कहलाए, लेकिन उस धर्म से नास्तिक वर्ग निकल पड़ा, जो ना स्वर्ग को मानता है ना आत्मा को मानता है। महात्मा बुद्ध ने कहीं भी आत्मा परमात्मा का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धिस्ट लोग हैं ना, जो बुद्धिवादी लोग हैं, वो शंकर के बारे में गलत ही बोलते। अगर वो उनके बारे में गलत नहीं बोलेंगे तो विधर्मी कैसे कहे जाएंगे? बौद्ध धर्म विधर्मी है या स्वधर्मी है? विधर्मी है। विपरीत बातें बोलेंगे तब तो विधर्मी कहे जाएंगे। और उनकी अगर वो बुराई न करें तो
तो फिर अव्वल नंबर तपस्वी कौन कहा जाएगा? उनको अव्वल नंबर तपस्वी के रूप में किसे देखना है? महात्मा बुद्ध को देखना है या शंकर को देखना है? उनको तो महात्मा बुद्ध को देखना है, उनका तो वो बाप है। तो हर बच्चा अपने बाप की महिमा करेगा या दूसरे की महिमा करेगा? तो बापों का भी बाप है ना, है? बापों का भी बाप है ना, वहां तक पहुंच नहीं है ना। बाबा ये ज्ञान योग सेवा धारणा चार सब्जेक्ट है, इसमें से अलग अलग करने की वजह से विदर्भी बने ना, है? ये चार सब्जेक्ट एक साथ नहीं उठाए उन्होंने, एक एक ने अलग अलग उठाई है, इसलिए विदर्भी बने ना। किसी ने योगी श्रेष्ठ कहा, योग एक ऐसी चीज है कि अगर संपन्न स्टेज हो जाए योग में तो धारणा ज्ञान और सेवा इन तीनों में ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। इसलिए कहते हैं योग बल से विश्व की बात सही। योग किसका योग? ये उनको नहीं। हाँ जी, पूरी पहचान नहीं है। जैसे कहते हैं मुरली सत्य है, मुरलीधर को मानते नहीं इसलिए मुरली की बात करते हैं। हाँ? शास्त्र की बात करते हैं। हाँ? लेकिन शास्त्र बनने वाला सत्य है ना। हाँ? तो क्या मुरली सत्य है? पहले ज्ञान आता है, बाद में ज्ञानदाता आता है। पहले सत्य आता है सामने, फिर सत्य बाप सामने आता है। ज्ञान के आधार पर ही सत्य बाप को पहचाना जाता है। और परीक्षा एक होगी तो ठीक है, 10 परीक्षा आए, 10 में से एक दो परीक्षा में फेल हो गए तो उसे फेल कहा जाएगा? नंबर बार फेल तो कहा ही जाएगा। बार बार फेल होते हैं तो बार बार परीक्षा आ जाएगी। है? फाइनल एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो सप्लीमेंट्री भी आती है या नहीं आती है? या पास होने की इच्छा ही नहीं है? परीक्षा आ गई तो पास आ गए। आत्मिक स्थिति में बनने के पहले जो परीक्षा आती है और आत्मिक स्थिति बनने के बाद जो परीक्षा आती है, इसमें हिसाब किताब किसका ज्यादा बनेगा? आत्मिक स्थिति बनने से पहले जो परीक्षा आती है वो बेसिक नॉलेज की परीक्षाएं हैं, हायर एग्जाम की परीक्षाएं नहीं है। इसलिए बोला आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो जिनकी आत्मिक स्टेज बनती जाती है वो डायरेक्ट बाप से कनेक्शन करते जाते हैं। उनकी भी परीक्षा होती है? क्यों नहीं होगी? हायर एग्जाम की हायर जो क्लासेस होते हैं उनकी परीक्षा नहीं होती? वहां से तो गिरते भी है। बेसिक में नहीं गिरते हैं? नहीं, हायर एग्जामिनेशन से भी गिरते हैं। बेसिक में भी गिरते हैं तो हायर एग्जाम में भी गिरते हैं। गिरने की क्या बात है, गिरने वालों की संख्या तो बहुत है, प्रजा वर्ग में जाने वाले तो बहुत है। बाबा है, बाप के बाप को नई दुनिया बनने के लिए स्वर्ग के साथी बने, बच्चे भी बनते हैं। आप नई दुनिया बनाना चाहते तो बच्चे भी उसके साथी बनते हैं। अभी जो अक्षय देव में दो डिक्लेयर हुआ उसमें देख तो बाप दूसरा योगिनी जो बोला गया, अब वो तो अभी नई दुनिया संगठन नए संगठन में है, उसके पीछे और आने वाले नंबर भी वो उसी संगठन में होंगे या हम दुनिया में अपने पुरुषार्थ करते होंगे? हर एक सितारे की अपनी अपनी दुनिया है, चाहे वो योगीश्वर हो चाहे योगिनी हो, सितारा तो है ना। तो सितारे की जो अपनी दुनिया है उस दुनिया में राज परिवार की भी आत्माएं होंगी, प्रजावर्ग की भी आत्माएं होंगी, दास दासी बनने वाले भी होंगे और फिर भक्त आत्माएं भी होंगी। सब चाहिए।
अभी जो महाशिवरात्रि की वाणी से साबित होते कि बाप के साथ ही है वो बच्चे हाँ? तो इसमें तो बाप की नजर के सामने ही है, मतलब सिर्फ प्रत्यक्ष होने की देरी है। बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकते। नहीं रह सकते का मतलब क्या है? साथ ही माने क्या, कंधे पे चढ़े चढ़े फिरेंगे? उनके कार्य में पूरा साथी बन चुके हैं। माने उनका कनेक्शन बना रहेगा क्या? चाहे ईश्वरीय सेवा के हिसाब से, चाहे स्मृति के हिसाब से, कनेक्शन जरूर रहेगा। और कहा है कि तुम माताओं की बहुत जय जयकार होगी, लाखों के तादाद में सेंटर बनेंगे। अच्छा, जो माताओं की जय जयकार होगी उनसे राज्य कारोबार लेके पवित्र आत्माओं को दिए जाएंगे, तब कहेंगे राज करेगा खालसा। खालसा है वो माताओं की स्टेज में नहीं होगा, दूसरा ग्रुप होगा ना है? दूसरा रुद्रमाला का ना, विजय माला का ग्रुप होगा ना, एक हो जाएगा। राज करेगा खालसा, ये कौन से धर्म में मान्यता है? और सिख धर्म आदि के धर्म है या मध्य के है या अंत का है? तो अंतिम समय में जो धर्म आने वाला है, कलयुग के मध्य में जो जिसका फाउंडेशन पड़ता है, वो फाइनल नहीं है नई दुनिया के फाउंडेशन के लिए। राज करेगा खालसा मना लंबे समय तक, जैसे यहां बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद दीदी दादियों ने लंबे समय तक राज्य किया है, ऐसे ही जो खालिस किस्म की आत्माएं होंगी वो लंबे समय तक राज्य करेंगी। पवित्रता के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं दुनिया में। दुनिया के सारे काम पवित्रता की पावर से ही होते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण पवित्रता होगी। संपूर्ण पवित्रता होगी तो बैकुंठ बन जाएगा। बाबा अष्टदेव के लिए बोला गया या एक ही कार्य में इन लोग ने गुंडरज दीदी दादियों को श्रृंगार किया करके? हाँ जी। तो एक ही कार्य कहाँ पर, मतलब माउंट आबू या कराची? माउंट आबू आदि है? नहीं, माउंट आबू तो 51-52 से आए हैं। तो एक ही कार्य तो तुम कराची या नहीं तो सिंगर बोल रहे? हाँ जी। तो वहाँ पर ही अष्टदेव ने दीदी दादियों को श्रृंगार किया? जरूर किया है। व्यक्त कहते हैं जो आंखों से दिखाई पड़े, और अव्यक्त कहते हैं जो आंखों से दिखाई न पड़े। तो स्वप्न में जब देखा तो अपना शरीर था या नहीं था? फिर भी आंखों से देखने का तो अनुभव करते हैं। स्वप्न में जब देखा तो अपना शरीर का अनुभव हुआ या नहीं हुआ? माना सूक्ष्म शरीर था, सूक्ष्म शरीर भी था और सूक्ष्म आंखें भी थी, तो वो अव्यक्त स्टेज, तब कहेंगे कि सूक्ष्म शरीर, वो शरीर की अनुभूति भी न रहे। आत्मा स्वतः ही मन बुद्धि के रूप में अनुभव करती रहे। साकार की दरकार न रहे। बाबा ये खालिसों का जो राज्य अभी बताया माताओं का, तो ये 100% प्योर नहीं होगा, तो इसलिए उनको कहेंगे डूबी जा डूबी जा।
जो सत्य होता है वो कभी डूबता है क्या? असत्य डूबता है या सत्य डूबता है? कुछ न कुछ असत्य होगा तो डूबेगा। जय जयकार हो के फायदा क्या? डूबने के लिए तो शूटिंग तो होती है। शूटिंग होती है या नहीं होती है? जो सत्य को पकड़ने वाले हैं वो अंत तक एक को ही पकड़ के रहेंगे। जय जयकार होगी तो साथ देना पड़ेगा ना। कोई जरूरी नहीं कि जिनकी जय जयकार होती है तो हम उसका साथ दें। अभी बेसिक नॉलेज में जिनकी जय जयकार हो रही है तो साथ देना जरूरी है। उन्होंने भगा दिया। भगा दिया? ये भी भगा देंगे। हैं? हमको कोई भगा नहीं सकता। क्या? हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। हाँ जी ज्यादा सुनते हैं सिर्फ सुनने में प्रवीण होते हैं, समझने में नहीं। सुनते भी हैं, समझते भी हैं और नंबर वार धारण भी करते हैं और बीज रूप स्टेज में टिकते हैं। जो पहले पहले बीज रूप स्टेज में टिकते हैं वो 12 हैं। उनके लिए बोला गया एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। बाबा को पूछा गया है कि बाबा साक्षात्कार क्या होता है, तो बाबा ने कहा स्वप्न क्या होता है। मगर बाबा कोई कोई आत्माएं सपने देख लेती है तो वो माना क्या होता है, सक्सेस हो जाती है सपने में जो भी देखती है, तो वो ब्रॉड ड्रामा में भी वो प्रैक्टिकल में देखती है, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्वजन्मों की रील उनके संकल्पों में आ रही है, स्वप्न में आ रही है, साक्षात्कार में आ रही है, और वो सच हो जाती है ना। ये फिर टाइम के आधार पर है। अमृत वेले स्वप्न देखा जाता है वो सच्चा हो भी होता है। दोपहर में बहुत खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं, फिर स्वप्न देखते हैं, तामसी स्टेज भी हो सकती है। बाबा सपने में आते हैं। हाँ दुकानदार सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है और रात में अपनी धोती फाड़ देता है, तो उसके सपने में धोती आ गई ना। ऐसे ही इससे ये साबित होता है कि सारा दिन आप बाप को याद करते हैं तो रात में वो आपके याद में आ जाता है। बाबा सवा 2 लाख जो रुद्रमाला के मंत्र है तो उसमें जो 25,000 के 9 ग्रुप हो जाते हैं ना बाबा। हाँ जी। तो सूर्यवंशी के 25,000 में आना अच्छी बात है या 108 के दूसरे धर्म के जो है उसमें आना अच्छी बात है? हाँ वो तो कई बार समझाया जा चुका है ना, गधेड़ों की मजलिस है उसका राजा बनना अच्छा है या जो शेरों की मजलिस है उसका छोटा बच्चा बनना अच्छा है? इसके बावजूद जो है शंकर को बताया अष्टदेव को वो सिर के ऊपर रखते हैं। हाँ? और जो 108 की माला को फेरते रहते हैं। हाँ? बाकी जो 25,000 का तो कुछ है ही नहीं है। हाँ तो जो ऊंचे होंगे उनको ऊंची स्टेज पे रखेंगे और जो नीचे होंगे उनको नीचे स्टेज में, वो भी तो बुद्ध रूपी हाथ में है माला।
अबे लेकिन लंबे समय तक तो सदगुरु का निंदा करने में ही तो समय बीता होगा। जो निंदा करते हैं, जो अखबार आज निंदा करते हैं, इन अखबारों ने ही बहुत निंदा की है और ये अखबार ही अंत में जय जयकार के निमित्त बनेंगे। तो ऐसे ही उन बच्चों का भी हिसाब है। तो वास्तव में बाबा की नजर से श्रेष्ठ कौन है, वो 25,000 सूर्यवंशी में आने वाले बच्चे या वो 108 जो विदर्भ में? बाबा की नजर में टाइम टाइम के अनुसार सब श्रेष्ठ है। गुरु नानक का जब टाइम होगा तो गुरु नानक श्रेष्ठ है, महात्मा बुद्ध का जब टाइम होगा तो महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ है, इब्राहिम का जब टाइम होता है तो इब्राहिम भी श्रेष्ठ है। लेकिन फिर बाबा सूर्यवंशी के कुल में ही आ जाते 25,000, तो उनका तो श्रेष्ठ तो उनसे ज्यादा होना चाहिए ना बाबा? बाबा तो राजयोगी बनाने आया है, प्रजायोगी बनाने नहीं आया है। तो बाबा को राजयोग सीखने वाले बच्चों से ज्यादा प्यार होगा, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, या प्रजायोगी बच्चों से ज्यादा प्यार होगा? जो भी राजा बनते हैं बाबा, वो तो सबसे पहला राजा के साथ ही युद्ध करना शुरू करते हैं, जो उनको राजा बनाते हैं। मतलब बाप के साथ ही वो सब युद्ध छेड़ते हैं। अरे सीखेंगे किसके साथ? अखाड़ा होता है, अखाड़े का एक गुरु होता है, मल्ल युद्ध सिखाते हैं। और तोड़ने वाला मना है? एक साल, दो साल, दस साल। और उनका साथ देना कितना साल? तोड़ने वाले का कोई टाइम नहीं होता, जो जितना निभा सके। 36 से तोड़ ही निभाएंगे हैं? 76 से 36 तक तोड़ ही निभाएंगे। आपकी बुद्धि में वो वरदान क्यों नहीं आता बैठता, जिसमें बोला हुआ है तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा? बाबा ने ये भी बोला ना कि अस उस संग दोष असर होता है। हाँ वो बात देखने की। संग दोष का असर किसके ऊपर होता है, कमजोर के ऊपर होता है या पावरफुल के ऊपर होता है? जो कमजोर होते हैं उनके ऊपर असर होता है, और कमजोर वो होते हैं जो बाप को अपने साथ नहीं रखते। बाप हमारा साथी है तो पांच पांडव एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, कौन पावरफुल हो गए? पांच पांडव ज्यादा पावरफुल हो गए। बाबा अपने आप को राजा साबित करने के लिए बाप के साथ ही युद्ध करना, ये तो राजा ही अच्छा भी नहीं है ना बाबा? भस्मासुर बनना तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। अरे माया भी सर्वशक्तिवान का टाइटल लेती है और बाप को भी सर्वशक्तिवान का टाइटल है, तो रावण अपने रावणपने में खुश रहेगा जब रिजल्ट निकल जाएगा, और राम की आत्मा अपने राम के पार्ट में ही खुश रहेगी। जिस आत्मा का जो पार्ट डिक्लेयर होगा वो अपने पार्ट में ही खुश रहेगा, वाह मेरा पार्ट। लेकिन ओवरऑल पार्ट तो देखा जाएगा ना बाबा? है ओवरऑल वो उन आत्माओं को लगेगा कि मेरा पार्ट अच्छा है। हाँ ओवरऑल जब लोग देखेंगे, हाँ तो उनकी नजर में जो ऊंचे मन का है वो तो ऊंचा ही है। दूसरा क्या देखता है, हमें उससे लेना देना है या हम अपनों को देखें कि हमें क्या प्रिय है? माना मेन बात ये बाबा कि बाप के साथ युद्ध करने की जरूरत क्यों है? जो जिस कुल का होगा उसको वो ही पसंद आवेगा। फिर भी राजा बनता है? राजा तो बनता है, वो गधेड़ों का राजा है या शेरों का राजा है? वो कहता राजा तो बनेंगे, गधेड़े बनेंगे तो क्या?